जनाब, क्या हाल चाल, कैसे हैं मिजाज? जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल चलना भी चाहिए। वेल, आपका स्वागत अगेन एक नए एपिसोड में। हाई हेलो, वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट रफत। आप देख रहे हैं DDUP पर अपना फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूजिक। हर बार कुछ ना कुछ नई बातें और नए लोगों से मुलाकात होती है, नए सवाल होते हैं, नया रंग होता है। आज भी ये तड़का जारी रहेगा पूरे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? स्टूडियो से। तो चलिए स्टूडियो जाते हैं और वापस। मुलाकात होती है और यहाँ बहुत ही प्यारे चेहरे हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम पुष्पा है। आपका नाम? मेरा भगवती है, मैं नेपाल से आई हूँ। अच्छा, ओ विदेशी लोग आए हैं भाई हिंदुस्तान की धरती में। तो मुझे अब ये बताइए कि आपके देश में एक सबसे अच्छी चीज जो आपको खाने में लगती है और यहाँ पर जो आपने खाया वो एक सबसे अच्छी चीज बताइए। हमारा देश में तो खाने के तो एक मोमोज है, एक डिश बहुत अच्छी है। और यहाँ? यहाँ पर अब गोलगप्पे अच्छे। गोलगप्पे, वहाँ क्या बोलते हैं गोलगप्पे को? पानी पूरी। अच्छा, सेम पानी पूरी जी आपको? मेरे को भी वही है। सेम? एक ही थाली में खाते हैं क्या? हाँ, हम लोग एक ही थाली में खाते हैं। अरे नन्ना मुन्ना राही हो तुम, देश का सिपाही हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? जानवी वर्मा। जानवी, तो बताओ यार, तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। सबसे पहली बात तो बड़ी प्यारी सी लग रही हो तुम। क्या लगाया है, लिपस्टिक? मेकअप मम्मी ने किया? नहीं, मैं रख के लाई हूँ। अरे वाह, मेकअप रख के लाई है ये। मेकअप लेकर चल रही है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, गाना वाना पसंद करती हो? बताओ कौन सा गाना गाओगी? मैं चली मैं चली। कहाँ चली?
अच्छा गा दो। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली आहा आ मेरी जा, मुझे जाना है वहाँ। मेरा प्यार हो जा वहीं रे आजा। मैं चली, पूरा लिरिक्स बदल दिया तुमने, मजा आ गया। क्या नाम है? आयुष। आयुष, तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य। सामने कैमरा है और एक क्वेश्चन है मेरा, लव मैरिज अच्छी है कि अरेंज मैरिज अच्छी है? अरेंज मैरिज। ऐसा क्यों? कभी लव वव करने का इरादा नहीं है? नहीं। क्यों? रिस्क नहीं लेना है इस मामले में। रिस्क लेने का नहीं। और आपका? रिस्क नहीं लेना। मम्मी पापा को पहले रखना। जी जी, बहुत बढ़िया। ये आज का युवा है, सम्मान करती हूँ मैं। फिलहाल आप देखते रहिए ओपन माइक विद म्यूजिक। और जब हम स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, और अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ही मसरूफियत है यहाँ पर, कोई ड्रॉ कर रहा है। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काकुल बरनवाल है। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेम। सो आप कर क्या रहे हो, जरा आप कैमरे पे दिखाओगे? मैं ये पेंटिंग्स बनाती हूँ अपने फ्री टाइम में। जैसे कि हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, ताकि वो अलोन फील ना करे, तो हमें अपने टैलेंट को फॉलो करना चाहिए। सो बटरफ्लाई। यस। सो आई विश कि आप भी इस बटरफ्लाई की तरह अपने आर्ट के साथ बहुत 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 ऊंचाइयों तक फ्लाई करें। थैंक यू। सो ऐसा आर्ट कोई ना कोई आपके अंदर भी अगर है ना, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। वो क्या होता है ना कि ज़िंदगी में कभी भी खाली पर महसूस नहीं करेंगे आप, ये आपको अंदर से ताकत देता है। फिलहाल आपके खाली पर के साथ ही तो हम हैं, ले चलते हैं आपको स्टूडियो की ओर। कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही। 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 कासिद कहा जो उसने बताना, सही सही। कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही। ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई। कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही। कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही। कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही। We'll be right back.
कहते हैं मुझसे वो दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो क्या लोगे इसके दाम क्या लोगे इसके दाम बताना सही सही क्या लोगे इसके दाम बताना तुम्हें कसम है साकी तुम्हें कसम है पिलाना सही सही साकी तुम्हें कसम है पिलाना सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना कासिद कहा जो उसने कासिद कहा जो उसने बताना सही सही कासिद कहा जो उसने बताना सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना देखिए मौसम इतना सुहावना हो रखा है तो मन कैसे नहीं करेगा कि हम भी इस मौसम का आनंद उठाने बाहर निकलें और जब हम बाहर निकलते हैं तो माइक मेरे साथ हमेशा होता है इस माइक को लेकर हम लोगों के पास पहुंच जाते हैं और फिलहाल किसके पास पहुंच रहे हैं मिलवाते हैं आपसे नाम क्या आपका सृष्टि तिवारी तो आपके अंदर कुछ ऐसा हुनर कोई ऐसा टैलेंट जिसको आप चाहती है कि दुनिया देखे सिंगिंग मैं जाने ये वार दूं हर जीत भी हार दूं कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी देखकर तुझे पता आवारगी बन गए हाँ हंसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए थैंक यू बात है सुपर माहौल सेट कर दिया पूरा एंड ऑल द बेस्ट आगे के लिए तो देखिए ऐसे माहौल बन जाता है जब रैंडम हमारी मुलाकात लोगों से होती है और हम आपसे कहते हैं कि कभी भी हम आपके पास आ सकते हैं इसीलिए देखते रहा करिए ये शो ओपन माइक विद म्यूजिक जिसकी एक मुस्कुराहट पर हम अपनी जिंदगी फना कर गए जिसकी एक मुस्कुराहट पर हम अपनी जिंदगी फना कर गए आज वो हमें पहचानने से भी इनकार कर गए यकीनन इश्क अधूरा रह गया मेरा यकीनन इश्क रह गया अधूरा मेरा पर बर्बाद वो हमें पूरा कर गए हाय 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 गिरगिट की तरह रंग बदल गए हैं देखिए इसे कहते हैं जबरदस्त मुलाकात जब शेर व शायरी के जरिए जुबान पर आ जाए सच्ची दिल की बात और ऐसी बातें हम लोगों से निकलवा लेते हैं इसीलिए कहते हैं देखते रहा करिए ओपन माइक विद म्यूजिक और घूमते टहलते मेरा माइक पहुंचा है अब इनके आगे ओपन करती हूं आपके आगे माइक नाम बताइए मेरा नाम अमन है क्या करते हैं आप I am a musician, drummer, percussionist. अच्छा? Yeah. Wow, तो थोड़ा सा कुछ बताइए कुछ कैसे करते हैं? वैसे तो बेसिकली तो थोड़ा सा बहुत वह डेमो दे सकता हूँ जैसे कोई भी बीट है उसके अकॉर्डिंग
क्या क्लोजिंग की है। दा बारी है कि आज का सवाल पूछा जाए, तो सवाल थोड़ा पेचीदा है, चलिए देखते हैं क्या जवाब आता है। क्या नाम है आपका? जानवी। सो जानवी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तो हालांकि आप नन्नी मुन्नी बच्ची हैं, बट देन टू आपको लगता है कि लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज अच्छा है, और आप क्या करने वाले हो फिर? मैं क्या करने वाली हूँ ये तो अभी नहीं डिसाइड किया जा सकता, बट अकॉर्डिंग टू मी बोथ द मैरिजेस आर हैविंग देयर बेनिफिट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, बट आई वुड प्रिफर लव मैरिज एज अकॉर्डिंग टू मी अरेंज मैरिज इज स्कैरी काइंड ऑफ, वी डोंट नो ईच अदर एंड दैट्स ऑल। ये मुझे बड़ा ही मिसमैच टाइप का लगा, स्कैरी अरेंज मैरिज। अच्छा, मम्मी पापा की अरेंज मैरिज की लव मैरिज? अरेंज मैरिज। पर तुमने कहा था स्कैरी होती है। एक्चुअली जनरेशन गैप इज ऑल ओके। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बुकिश पूरा निबंध उसमें ऐसे टाइप का बता दिया, उसका पूरा डेफिनेशन के साथ भावार्थ के साथ पूरा बताया। लेकिन हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है, अपने अपने थॉट है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। आपको क्या लगता है, घर में बैठ के आप भी आपस में बातचीत कर सकते हो, आपकी क्या लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? चलते स्टूडियो की ओर। बहुत रोया अब हमको याद करके, बहुत रोया अब हमको याद करके, हमारी जिंदगी बर्बाद करके, बहुत रो Oh,
अब हम स्टूडियो से सीधा बाहर पहुंच चुके हैं और हां जी स्टूडियो का मजा लेने के बाद चलिए बाहर पब्लिक का जो फील है आज का, जो मूड है आज का ना, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त तो हम किन के पास पहुंच रहे हैं चलिए दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांजलि। दिव्यांजलि, बहुत ही यूनिक नेम है आपका। सो दिव्यांजलि, आपके सामने कैमरा है और ये माइक आपके हाथ में है, कुछ कहना चाहते हो? मेरी फेवरेट कोटेशन है, वो रूमी की है वैसे, डू नॉट फियर द लाइट्स, द होल यूनिवर्स इज इनसाइड यू। हम कभी कभी ऐसा होता है ऑफन एंड दिस टाइम ऑफन इन टीनेज और एडल्टहुड हम बहुत ज़्यादा घबराते या डरते हैं कि बाहर कैसे हम ये सब फेस करेंगे या इन्वायरमेंट को, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कैसे फेस करेंगे। तो वहाँ पे हमें रूमी की कोटेशन सिखाती है कि हमारे अंदर ही यूनिवर्स है, जो गॉड की सारी पावर्स हैं वो हमारे अंदर ही हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए और अपने फियर्स को स्ट्रांगली ओवरकम करना चाहिए। थैंक यू। क्या बात है, और आपने ये छोटी सी कोटेशन के जरिए एक मैसेज दिया बहुत अच्छा सा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सो ऐसे देखिए, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनका सलूशन सब हमारे अंदर होता है, बस हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पर। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना, मैं अरसे खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलो तो पता देना, खोना जाना मुझे देखते देखते, तो ही जरिया तो ही मंजिल है या के दिल है, इतना बता तूने छुआ को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा, पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है दोनों खुल के बरसे भी गया सारा, पहले भी मैं तुमसे मिली हूँ पहली दफा ही मिलके लगा। Amazing! मेरे goosebumps आ गए यार, goosebumps. Thank you. दिल खुश हो गया एकदम, so nice यार। और ऐसे amazing talent हमें टहलते हुए चलते हुए आपके बीच जब आते हैं तो हमें अचानक से मिल जाते हैं, इसीलिए तैयार रहिए, आपके बीच भी हम आ सकते हैं। के इन रस्तों पे फूलों की चादर है, जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है, देखो जहाँ में नीले नीले आसमां तले रंग नए नए हैं, जैसे घुलते हुए खोए से ख्वाब मेरे जागे, तेरे वास्ते तेरे ख्यालों में ही बीते मेरे रास्ते, क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है या ओ, 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 से अभी जाओ एक दिन मेरी बाहों में, तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में सवालों में जवाबों में, हर दिन चुरा तुझे मैं लाता हूँ ख्यालों में, क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है या वो वो। और इस वक्त
ये माइक ओपन होने जा रहा है किसी के सामने, चलिए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका? प्रिया। तो प्रिया, आपके अंदर का वो कौन सा टैलेंट है जो ऑडियंस के सामने आप प्रेजेंट करने वाली हैं? मैंने एक शायरी लिखी है मेरे फोन में, मैं वो पढ़ के सुना सकती हूँ। क्या बात है, आज की जेन ज़ी फोन में सारा काम करती है। बताएं। तो ये शायरी कुछ इस प्रकार है। आपकी ये सादगी मेरे रूह में कुछ इस कदर समा गई, आपकी ये सादगी मेरे रूह में कुछ इस कदर समा गई जैसे एक बेपनाह लहर समंदर से फिर जा मिल चुकी हो। इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा जवाब है, वो ये है, मेरे रूह में उतर के आज सादगी देख गई तुम, मेरे आँखों में तुम्हारे लिए राजगी देख गई तुम। अब आना तो ठहर जाना इस सादगी की लहर में, जान जाओगी कि सादगी को क्यों देखकर ठहर गई तुम। आय हाय, और मैं तो ठहर गई आपकी सादगी को देखकर। ये लगता है कि आप पर सटीक है बिल्कुल। ऐसा टैलेंट आपके अंदर भी होगा तो बस आपका ये टैलेंट हम तक पहुंच सकता है, आपके बीच हम जब ये ओपन माइक लेकर आते हैं। फिलहाल तो आपको ले चलते हैं स्टूडियो, वहाँ के कलाकारों की कला को आप तक पहुँचाते हैं। स्टे ट्यून्ड टू ओपन माइक विद म्यूजिक। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया सैया। मर जा आजा चंदा बाहों में, तुझ में गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में हो जाऊं सैया सैया। गाए राते हर पल मुझे डुबाए आते जाते, तुझे जीत जीत हारूं ये ताड़ ताड़ वारूं, राहे
बढ़ता जाए, कोई प्यार से घुंघटिया देता उठाए। अब बावरा हुआ मन, जग हो गया है रोशन, ये नई राखी नाम है मेरा। राखी, तो ये बताओ कि कोई गाना गुनगुना रही थी तुम? हाँ, वो मेरी माँ। अच्छा, मम्मी के लिए? यस। तो भाई मौका है, सामने कैमरा है, चलो ये माइक भी तुम्हारे हाथ में। बिगड़ी किस्मत भी सावर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, ओ खुदा ओ का है घर, तू दुआओ का है घर, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। तो हर एक पल को आप घर बैठे इंजॉय कर रहे हैं, इस इंजॉयमेंट को जरा और बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे साथ कोई और हैं जो कुछ खास आप तक पहुंचाने वाली हैं। हाय, क्या नाम है आपका? सदफ मंसूरी। तो सदफ, क्या टैलेंट रखती हैं अपने अंदर? एक्टिंग का। ओके, मिमिक्री भी? मिमिक्री भी। क्या बात है, तो ये माइक आप आराम से पकड़िए, कैमरा सामने शुरू हो जाइए। फारा खान है जो डायरेक्टर है, वो उनकी वॉइस थोड़ी सी बहुत अच्छी लगती है जो कि सभी लोग मिमिक्री करते हैं, तो वो बोलेंगी अनु यार व्हाट इज यार, चलो चलो 11,000 कुछ होती नहीं है क्या, वैल्यू सबकी होती है यार, डोंट करीना व्हाट आर यू डूइंग, चलो नेक्स्ट स्टेप, चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। और जब राखी सावंत जब जिम में जाती हैं तो कहती मैं हूँ राखी सावंत, मैं आई हूँ आज जिम में, आज मैं दिन भर वर्कआउट करूँगी और वर्कआउट करके सारी बॉडी बना लूँगी। थैंक यू। और मुझे आपका ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो जनाब, ये जो चेहरे पे आपके हंसी आई है ना, बस यही हमारी कोशिश है कि घर बैठे आप मुस्कुराए ही नहीं बल्कि शामिल भी हो जाए। जिस तरह से इन्होंने मिमिक्री की, कुछ लोगों ने गाना सुनाया, ऐसे आप भी घर बैठे शामिल हो सकते हैं इस शो में। कैसे? स्क्रीन पर आपको एक मेल आईडी दिख रही होगी, यस ओपन माइक विद म्यूजिक एट gmail.com। एक मिनट का आप अपना वीडियो शूट कीजिए लैंडस्केप मोड पे और उसमें चाहे मिमिक्री कीजिए, एक्टिंग कीजिए, डायलॉग सुनाइए, पोएट्री सुनाइए या फिर कोई गाना सुनाइए और भेज दीजिए इसी मेल आईडी पर openmicwithmusic@gmail.com। आपको अगर कहा जाए कुछ सुनाने के लिए तो क्या सुनाएंगे आप? प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, ना ये बुझती है ना रुकती है ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, हमने देखी है। अगर आपको जिंदगी जिंदा दिली से जीनी है तो बचपना कायम रखिए,
हवा मिठाई खाइए और जुबान पर इसकी तरह मिठास घोल के रखिए और ये मिठास आप तक हम पहुंचाते हैं ओपन माइक विद म्यूजिक के साथ। प्यार, 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 प्यार। थोड़ा प्यार चाहिए चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए प्यार 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 Yeah, she's crazy like a fool. What about daddy cool? I'm crazy like a fool. What about daddy cool? Hey, daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Hey, daddy cool. She's crazy like a fool. What about daddy cool? I'm crazy like a fool. What about daddy cool? Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Hey, daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Yeah! Har koi hansi kar na saka मेरा सामना मेरी नजर जादू भरी दिल को थामना हर कोई हंसी कर न सका मेरा सामना मेरी नजर जादू भरी दिल को थामना चाहिए थोड़ा प्यार थोड़ा प्यार चाहिए जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए She's crazy like a fool. What about daddy cool? Daddy, I'm crazy like a fool. What about daddy cool? Daddy, daddy cool. Hey, daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. तो इस म्यूजिक की जर्नी में जो कि स्टूडियो में चल रही थी बाहर निकल कर हम आए हैं और अब कुछ बातों का गामिश करते हैं। वेलकम है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? शिखा शुक्ला। तो शिखा जी, आप क्या करना पसंद करती हैं, हॉबीज क्या हैं आपकी? सिंगिंग एंड डांसिंग। सिंगिंग एंड डांसिंग, तो यहाँ पर सिंगिंग करने वाली हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, ये माइक आपके हाथ में है, कैमरा साथ में। क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रंगनी में ये बाहों में बाहें ये गिरती निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये चंचल हवा। थैंक यू सो मच। तो मधुर आवाज आप तक पहुंची है शिखा की, इसके बाद अब हम किससे मिलने वाले हैं? मुस्कुराना और हंसना, ये जो एक कला है ना,
ये भी एक अलग लेवल की है। इसके लिए दिल में जगह होनी चाहिए ताकि दिल की बात सामने वाले तक पहुंचे और सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए। फिलहाल ऐसी मुस्कुराहट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ एक और बहुत ही अमेजिंग कलाकार हैं ये। और लाफ्टर चैलेंज जो फर्स्ट सीजन आया था उसमें आपने बहुत अच्छा रोल निभाया था, बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया था। अपने नाम सराइडी के साथ। मैं राजेंद्र विश्वकर्मा हरिहर पाया जाता हूँ घर घर। ये है नूरा, हम हैं अधूरा। मुझसा कोई शरीफ जमाने में नहीं है, मुझसा कोई शरीफ जमाने में नहीं है। तस्वीर मेरी कौन से थाने में नहीं है। भगवान न करे किसी को अस्पताल जाना पड़े। दुनिया में जितने अस्पताल हैं हाई फाई सब पे लिखा रहता है ICU, शीशे का कमरा। मरीज ऐसे भर्ती रहे जैसे कोई नुमाइश में नमूना रखा। एक बूढ़ा थी, उनके पति देव बहुत बीमार थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा, कहा डॉक्टर बाबू यह बता भी रही हैं कि जाई हैं। डॉक्टर साहब मोबाइल पे बात करे तो बोले, अम्मा इनका रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, कभी भी नेटवर्क से बाहर हो सकते हैं। सांस की आउट गोइंग है, इनकमिंग होगी कि नहीं होगी कुछ पता नहीं। बुला लो सबको जिसको बुलाना हो। बुलाया गया, चाचा का एक भतीजा आया। ICU का इन्वायरमेंट ध्यान में रखिए और इस लाइन को सुनिए, मोहब्बत का पैरामीटर ICU में। भतीजा घुसा, चाचा ये चाचा आँखी खोलो कुछ बोलो, देखो हम आहिन हम पुरुषोत्तम, हमका जिंदगी में कबो कोनो काम नहीं बताओ, कम से कम चलत बरिया कोनो काम बताओ। चाचा ने मुंह से ढक्कन हटाया, भतीजे से बड़ी मोहब्बत से फरमाया, बच्चा ऑक्सीजन की नली से पाँव हटाओ, सांस ले बड़ी तकलीफ। और हाँ जी, बस अपने गुणों पर अपने स्किल्स पर पूरा प्राउड कीजिए और कोई भी पद किसी के रंग का मोहताज नहीं होता है, आपके टैलेंट का बस काफ़ी है। फिलहाल तो बहुत सारा टैलेंट हम भी लेकर आ रहे हैं और आप घर बैठे भी शामिल हो सकते हैं, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। और हमारी टीम ने किसका टैलेंट चूज किया है इस बार आपके वीडियो के माध्यम से, चलिए पहुँचाते हैं आप तक। जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबा चुप रहेगी, नजर बात होगी। किधर जा रहे हो जरा मुड़ के देखो, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी। इनकी तरह आप भी इस शो में शामिल हो सकते हैं घर बैठे। करना क्या है चलिए बताते हैं आपको। अपने मोबाइल का इस्तेमाल ऐसे लैंडस्केप मोड में करना है, एक मिनट के अंदर अपना वीडियो शूट करना है और अपने नाम शहर के नाम के साथ अपने टैलेंट को दिखाते हुए जो स्क्रीन पर आपको मेल आईडी दिख रही है ना, बस इसी पर भेज देना है। क्या पता अगला नंबर आपका हो और आप शामिल हो जाए इस शो में जिसे आप कहते हैं ओपन माइक विद म्यूजिक। और आज घूमते टहलते अपने माइक के साथ मैं पहुंची हूँ संगीत और नृत्य के गढ़ बोले तो भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, और यहाँ के कुलपति प्रोफेसर मानवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो मैम आजकल सोशल मीडिया पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है वो है डांस म्यूजिक, और यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा आजकल डांस रील्स बना रहे हैं। ऐसे में यंगस्टर्स को कैसे आप मोटिवेट करेंगी, क्या मैसेज आप देंगी? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे वो ठीक है, आप नृत्य की बात कह रहे हैं कि आज लोगों में उसके लिए बहुत ज़्यादा लगाव है, पर शास्त्रीय नृत्य को यदि सीखे तो मुझे लगता है कि बेस उनका शास्त्रीय यदि बने, जो हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, पहचान है, खास है और हमको खास बनाता है अन्य देशों से, तो मेरी एक गुजारिश है युवाओं से और भारतीय समाज के सभी तरह के लोगों से कि वो भारतीय नृत्य से, संगीत से जुड़े। तो सुना आपने प्रोफेसर मानवी सिंह मैम की बातों पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए फिर देखिए फर्श से अर्श तक पहुंच जाएगी आपकी कला। और फिलहाल एंजॉय कीजिए ओपन माइक विद म्यूजिक ओनली ऑन DDUP। वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, वो मैं भी कोई तेरे मेरे इश्क का
मोहब्बत के लिए बेहद शुक्रिया। और ऐसे तमाम शुक्रिया आप तक हम पहुंचाते रहेंगे हर एपिसोड में। बस ऐसे ही बने रहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार नए एपिसोड में नए बातों नए सवालों के साथ आपके बीच फिर हाजिर हो जाएंगे इसी चैनल पर डीडी यूपी पर आपके फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूजिक में। अब रफत चले, बाय बाय, टेक केयर। वो आसमां छलांग के जो छपे यूं गले से लगे, वो आसमां छलांग के जो छपे यूं गले से लगे, वो रात कोई और ही थी, वो चांद कोई तेरे मेरे।